पानीपत में रेप की धारा हटाने की एवज में पानीपत के डीएसपी ट्रैफिक के रीडर को 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर को विजिलेंस टीम आरोपी एएसआई सुशील कुमार को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। आपको बता दें कि दहेज केस में दर्ज रेप की धारा हटाने और आरोपी के परिजनों के नाम हटाने की एवज में 1.5 लाख की रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसमें आरोपी पहले ही 40,000 ले चुका था। अब विजिलेंस ने आरोपी को 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वहीं एएसआई सुशील कुमार के बाद डीएसपी ट्रैफिक संदीप सिंह और पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के एसएचओ नरेंद्र कुमार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजिलेंस इंस्पेक्टर का कहना है कि इस मामले में जांच अधिकारी महिला हेड कांस्टेबल अभी फरार है, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी ने अब तक पूछताछ में डीएसपी ट्रैफिक थाना एसएचओ आईओ का भी हिस्सा बताया है। विजिलेंस इस मामले में डीएसपी और अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ करने में जुटी है। जी, एक ये इंडस्ट्रियल एरिया थाना जो पानीपत का है, वहाँ पे 946 नंबर एफआईआर डाउरी के केस की वहाँ दर्ज थी, पिछले साल की है। और उसमें जो आरोपी गण है वो अपनी रिक्वेस्ट लेकर जो डीएसपी है, डीएसपी ट्रैफिक, उनके वहाँ गए थे। और क्योंकि जांच उनके पास है तस्दीक के लिए, तो वो रिक्वेस्ट लेके गए थे। तो उसमें वहाँ जो उनके रीडर हैं वो 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, और उसमें जो डिमांड है वो पैसों को लेके, एक तो नाम निकलवाने के लिए है उस केस में, और दूसरा जो है उसमें धाराओं को रिमूव करने के लिए थी, जिसमें वो 40,000 रुपये पहले ले चुके थे और आज 1,10,000 रुपये के साथ बुलाया था। जिसमें आज शिकायतकर्ता ने जब हमारे को कंप्लेंट दी है तो उनको 1,10,000 रुपए के साथ रेड हैंडेड वहां से गिरफ्तार किया गया, उनके ऑफिस की कैंटीन से। और जिसमें वो हमारे पास कुछ साक्ष्य भी हैं ऐसे, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं जो वहां के एसएचओ हैं उनके लिए, वहां जो उनके डीएसपी हैं जिनके वो रीडर थे उनके लिए डिमांड कर रहे हैं। वो अभी एक जाँच का विषय है, आगे उसमें जांच में क्या निकल के आता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेप के चार्जेस भी थे जी, उस जो रेप के एलिगेशन हैं उनको रिमूव करने के लिए भी था। कहां से गिरफ्तार किया है? पानीपत सेक्रेटरीट में जो डीएसपी साहब का ऑफिस है वहीं पे उनकी कैंटीन में ये पैसे ले रहे थे, जहां पे उनको मुक्का से गिरफ्तार। आरोपी का नाम, जो भागी है उसका नाम, और एसएचओ और डीएसपी का नाम, जो अरेस्ट किए गए हैं वो एएसआई सुशील हैं, और जो एएसआई लेडीज हेड कांस्टेबल है प्रतिभा, वो इस केस की आईओ थी, और डीएसपी ट्रैफिक है संदीप जी, और इंस्पेक्टर हैं नरेंद्र जी, जो एसएचओ हैं ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया थाना के, वो जांच करेंगे। जानकारी के मुताबिक पानीपत निवासी एक परिवार ने ओल्ड इंडस्ट्रियल थाने में दहेज उत्पीड़न और रेप का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की तफ्तीश डीएसपी संदीप कुमार कर रहे थे, जबकि आईओ महिला हेड कांस्टेबल प्रतिभा मामले की जांच कर रही थी। विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने बताया कि आज दोपहर को एएसआई सुशील कुमार को अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने का प्रयास भी किया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त अन्य पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की जानकारी जुटाई जा सके। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।